हाय गाइस, दिस इज अंशु शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 की। काफी टाइम से मैं सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 को यूज कर रहा हूँ, ये रहा मेरे पास। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स ऑफ फ्लिप 5। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द क्रक्स ऑफ द वीडियो। इसी के साथ आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, अगर आपको मेरी आवाज में थोड़ा डिफरेंस लग रहा हो या फिर मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही हो तो मैं पहले ही आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो सबसे पहला हमारा सेगमेंट है, दैट इज कैमरा फीचर्स। कैमरा को मैंने काफी टाइम तक यूज किया और कैमरा मुझे इतना ज्यादा कुछ खास तो नहीं लगा, लेकिन जिस हिसाब से हम कैमरा को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और उसी में सबसे पहले आ जाता है आपका टेंट मोड। तो जैसे ही आप इस फोन को टेंट शेप में रखते हो कहीं पे भी, उसके बाद आप मेन कैमरा से सेल्फी ले सकते हो इजिली और खुद को फ्रेम भी कर सकते हो, फिर चाहे वो मेन कैमरा हो या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा से आपको फोटो खींचनी हो विद द हेल्प ऑफ द कवर स्क्रीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कवर स्क्रीन को टच करके या फिर सिंपल एक हैंड जेस्चर से ही इजिली फोटो खींच सकते हो। इसके साथ ही आपको एक ऑटो फ्रेमिंग नामक कैमरा इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये वाला फीचर। तो जैसे ही आप कैमरा से दूर या फिर थोड़ा पास जाते हो तो ऑटोमेटिकली कैमरा आपको फ्रेम में ले आता है, एंड इट इज अ वेरी कूल फीचर क्योंकि इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी फोन्स में हमने देखा है कि ये इफेक्ट्स भले ही रहते हैं लेकिन ये वीडियो कॉल्स में ही रहते हैं, बट दिस टाइम यू कैन डू इट ऑल्सो इन द वीडियो। और जैसे ही आप फ्लेक्स मोड ऑन करते हो, उसके बाद फ्लेक्स मोड में शूट करना स्टार्ट करते हो और उसके बाद अपने फोन को आप 90 डिग्री रोटेट करते हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप पुराने जमाने में हम कैमकॉर्डर यूज करते थे ना, जैसे उसको ऐसे इस टाइप से रिकॉर्ड करते थे, तो एक वैसी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी आती है, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग टू नो। नॉट जस्ट दैट, अगर आपको डिफरेंट एंगल से फोटो या फिर वीडियो लेनी है तो आप जस्ट अपने व्यू फाइंडर को फ्लिप भी कर सकते हो, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। और अगर बाय चांस आप फोटो खींचते टाइम आपको थोड़ा सा लैग फील होता है, क्योंकि जैसे ही हम नेटिव कैमरा ऐप में जाके फोटोज पे क्लिक करते हैं तो जो फोटो वाला आइकन होता है वो एकदम से फोटो नहीं खींचता है, जैसे ही हम अपनी फिंगर को लिफ्ट ऑफ करते हैं उसके बाद फोटो खींचती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा, आपको बस चले जाना है सैमसंग गैलेक्सी स्टोर में, वहां पे आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा कैमरा असिस्टेंट नाम से। और जैसे ही आप कैमरा असिस्टेंट ऐप की सेटिंग्स को खोलेंगे वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा क्विक टैप शटर का, उसको बस आपको टॉगल ऑन कर देना है और ये जो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप फेस कर रहे हो तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 16:9 रेशियो में तो हर कोई शूट करता है, लेकिन इस फोन की ये खासियत है कि इसमें आप 22:9 रेशियो में इजीली शूट कर सकते हो और वो एक सिनेमैटिक वाली फीलिंग भी देता है आपकी वीडियोस को। दूसरे नंबर पे जो सेगमेंट है दैट इज कस्टमाइजेशन, क्योंकि भाई एंड्रॉइड की बात हो रही है और कस्टमाइजेशन का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम फ्लिप 5 की बात करें तो फ्लिप 4 से जो हमें मेजर चेंज फ्लिप 5 में देखने को मिला है दैट इज द बिगर कवर स्क्रीन साइज, एंड क्योंकि साइज बड़ा है तो उसको कस्टमाइज करना और भी ज्यादा इंट्यूटिव हो जाता है। फिर चाहे आपको अपनी फ्लेक्स विंडो कस्टमाइज करनी हो, वॉलपेपर चेंज करना हो, दैट यू कैन इजीली डू इट। आपको बस टैप एंड होल्ड करना है और जैसे ही आप स्क्रॉल अप करोगे उसके बाद फोन को आपको खोलना है और आपकी जो कस्टमाइजेशन वाली सेटिंग्स है वो इजीली खुल जाएंगी। वहां पे आपको जो भी कस्टमाइजेशन करना है आप कर सकते हो इजीली। और आपके फोन की स्क्रीन लॉक्ड है और कोई व्हाट्सएप मैसेज आया या फिर कोई नोटिफिकेशन आया, आप उसका इजीली रिप्लाई कर सकते हो कवर स्क्रीन से। आपको अपनी फ्लेक्स स्क्रीन पे विजेट्स वगैरह भी ऐड करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। और जैसे ही कोई भी आप टाइमर वाला विजेट ऑन करते हो उसके बाद आप जैसे ही मेन स्क्रीन पे आते हो तो आपको एक विजेट फिल भी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा डायनेमिक आइलैंड वाली फीलिंग देती है, बट इट लुक्स वेरी गुड। और मान लीजिए कि आपको नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब देखना है पर फोन खोलने का बिल्कुल मन नहीं, तो आप कवर स्क्रीन से डायरेक्टली इन सारी एप्स को यूज कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी आपका कॉन्टेक्ट है उसका आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करना है, यानी कि जब भी वो इंसान आपको कॉल करे तो वो प्लेन बैकग्राउंड की जगह कोई भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो उस बैकग्राउंड को और वो लगा सकते हो, और ये सिर्फ आपको मेन स्क्रीन पे नहीं बल्कि कवर स्क्रीन पे भी दिखेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप बैकग्राउंड में फोटो के अलावा वीडियो भी लगा सकते हो, इसके साथ एनिमेशन लूप भी लगा सकते हो। नॉट जस्ट दैट, जैसे आप फ्लेक्स मोड को इनेबल करते हो तो आप अपने फोन को एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो और पॉइंटर आता है उसको इजिली आप सेटिंग्स में जाके एडजस्ट भी कर सकते हो, फिर चाहे आपको माउस कर्सर बड़ा करना हो, उसका कलर चेंज करना हो। और जब इसको एक्चुअल में यूज करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि भाई हमने फोन ले रखा है, मतलब ऐसी पूरी फीलिंग आती है कि हमारे हाथ में एक तरफ माउस है और दूसरी तरफ हम किसी स्क्रीन में देख रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक इट ट्रूली फील्स लाइक दैट वी आर यूजिंग अ कंप्यूटर बट इन अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड अ वेरी स्मॉल वे। चलो ये तो हो गई सारी कस्टमाइजेशन की बात, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फीचर्स, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है प्रोटेक्ट बैटरी फीचर। तो अगर आपको अपने फोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है कि भाई आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी और आप चाहते हो कि मेरा फोन 4-5 साल तक तो मिनिमम चले, तो जैसे ही आप फोन खरीदो उसके बाद इस फीचर को तो डेफिनेटली आपको ऑन कर लेना है। तो इसको टॉगल ऑन करने के लिए आपको चले जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर में, देन गो टू बैटरी, देन गो टू मोर बैटरी सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको एकदम बॉटम में दिखा रहा होगा प्रोटेक्ट बैटरी, इसको जस्ट आपको टॉगल ऑन कर देना है।
इससे भले ही आपकी बैटरी लंबे टाइम तक तो चलेगी, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रख लेना है कि जो बैटरी की चार्जिंग साइकिल है वो 85% तक लिमिट हो जाएगी। इसके साथ ही आप परफॉर्मेंस प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हो फॉर बेटर बैटरी। तो आपको उसी सेटिंग्स में वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा, एक तो स्टैंडर्ड और दूसरी तरफ होगा लाइट, तो आपको चूज कर देना है लाइट वाला। हालांकि इससे बैटरी तो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन जो आपकी प्रोसेसिंग पावर है या फिर प्रोसेसिंग स्पीड रहती है वो जरूर डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही ये सेटिंग गेम्स पे अप्लाई नहीं करती है, तो अगर आपको गेम्स खेलने का ज्यादा शौक है इस सेटिंग का उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उस सेटिंग के लिए आपको गेम वाला जो सेक्शन रहता है वहीं से अलग से आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर है जिससे आपका फोन सिक्योर एंड सेफ रहेगा, एंड दैट इज द डिवाइस प्रोटेक्शन फीचर बाय मैकेफी एंड सेंसर। और ये जो फीचर है ये भी आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर वाली सेटिंग्स में आराम से देखने को मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसमें कुछ मालवेयर डिटेक्ट होता है या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वो ऐप आपके बैकग्राउंड में कुछ परफॉर्म करती रहती है, तो ये सारी चीजों से आपको बचाने के लिए दिस फीचर वर्क्स वेरी वेल। इसी के साथ आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है जो वैसे तो काफी माइनर है बट इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, स्पेशली जब आपका फोन खो जाए। सो बेसिकली आपको चले जाना है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में, और वहां पे जो आपका लॉक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा उस पे एक एडिट नाम से सेक्शन आ रहा होगा, उस पे आपको टैप कर देना है और वहां पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन दिखाएगा। तो वहां पे जस्ट आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं जो आपके लिए ट्रस्टेड हो, और इन केस आपका फोन कहीं पे खोता है तो वो नंबर वहां पे आपको डायरेक्टली दिखा देगा। ये तो हो गई बैटरी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फीचर्स की बात, इसके अलावा भी काफी छोटे छोटे ऐसे फीचर्स हैं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फोटो खींची और आपको उस फोटो में से बाद में कुछ रिमूव करना है कोई स्पेसिफिक पार्ट, तो ये डायरेक्टली आप सैमसंग की नेटिव जो फोटोज ऐप है उसमें कर सकते हो, एंड इस फीचर का नाम है ऑब्जेक्ट इरेजर टूल। तो आपको चले जाना है बस आपकी जो भी फोटो है उसकी सेटिंग्स में, और वहां पर आपको ऑप्शन दिखा देगा ऑब्जेक्ट इरेजर नाम से, उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जो भी पार्ट सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बस डन पे क्लिक करना है, एंड आपका फोन ऑटोमेटिकली वो वाला पार्ट रिमूव कर देगा, और काफी अच्छे से करता है, मतलब प्रेसीजन इज वेरी गुड। इसके साथ ही आपको एक बिक्सबी का कॉल वाला फीचर देखने को मिल जाता है जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसको भी इनेबल करने के लिए आपको फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। वहां पे आपको बिक्सबी कॉल फीचर नाम से दिखाएगा, उसको ऑन करने के बाद अब जब आपको कोई भी कॉल करेगा और आपका मन नहीं है बात करने का, तो आपका जो फ्लिप 5 है वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल पे रिस्पॉन्ड कर देगा, और उधर से जो भी इंसान कुछ भी बोलता है वो आपको आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाता है, और आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप इजिली टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर इज द हाइट स्टेटस इन नेविगेशन बार। आई एम श्योर जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो ऊपर नीचे जो फालतू की डिटेल्स दिखाई देती है कि भाई बैटरी परसेंट कितना है, फोन में सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन सब चीजों से आपको हटना है तो आपको मैन्युअली उसको एडजस्ट करना पड़ता था, बट फ्लिप 5 में हाइट स्टेटस इन नेविगेशन बार फीचर की मदद से ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको चले जाना है एडवांस फीचर्स में, वहां पे आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, बस आपको टॉगल ऑन कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपको स्क्रीनशॉट लोगे और उसको सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अपर एंड लोअर डिटेल्स हट जाएगी। इसके साथ ही और भी कुछ बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि एक वॉलपेपर फीचर है कि मान लीजिए आपको अपनी वॉलपेपर पूरी देखनी है, उसके ऊपर आपको कोई एप्स नहीं चाहिए, तो आप इजीली ऐसा कर सकते हो, आपको बस होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करना है। उसके बाद जैसे ही आप एक नई स्क्रीन ऐड करोगे ऊपर आपको एक होम वाला आइकन दिखाएगा, उस पर टैप करने के बाद जैसे ही आप अपना फोन खोलोगे तो आपकी स्क्रीन पे कोई भी एप्स नहीं दिखाएंगे, सिर्फ वॉलपेपर दिखेगी। इसके अलावा क्योंकि इट्स अ फ्लिप फोन, तो अगर आपको कॉल एंड करनी है तो आपको फोन काटने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना फोन फ्लिप करना है, एंड इट्स अ वेरी हैंडी फीचर, स्पेशली जब आपके कोई दिल अजीज हो उससे आपकी लड़ाई हो जाए, बस फोन मत फेंक देना। इसके साथ ही मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स या फिर कोई और ओटीटी ऐप पे कोई मूवी देख रहे हैं तो उसके आपको कलर्स मोर वाइब्रेंट और मोर ब्राइट चाहिए, तो इसके लिए भी एक सेटिंग है, आपको बस चले जाना है एडवांस फीचर्स में, वहां पे आपको वीडियो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिखाएगा, और उस सेटिंग्स में जाके आपको वीडियो ब्राइटनेस को नॉर्मल से ब्राइट में कर देना है। And after that, you can enjoy any which movie you were watching before. But ये तो हो गई visuals की बात। मान लीजिए आपको sound भी improve करनी है, तो वो भी आप easily कर सकते हो। आपको बस चले जाना है sound and vibration की setting में। वहाँ पे आपको option दिखाएगा Dolby Atmos को enable करने का। एंड इसको आप जनरल में भी इनेबल कर सकते हो और गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली भी इनेबल कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको गेमिंग का शौक है और आपको गेमिंग करते टाइम डॉल्बी एटमॉस साउंड चाहिए, इसलिए आप कर सकते हो। इसके साथ ही एक और फीचर वहीं आपको नीचे दिखेगा, दैट इज द अडैप्ट साउंड फीचर, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड वेलकमिंग फीचर फॉर पीपल हु हैव डिसेबिलिटी इन देयर इयर्स। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिखाएगा कि भाई आप अपनी एज सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको हेडफोन्स लगाने हैं एंड अपनी हियरिंग को टेस्ट करना है। कुछ प्रॉम्प्ट्स आएंगे, उनको करने के बाद ये आपको एक पर्सनलाइज साउंड प्रोफाइल दे देगा जिससे आपकी जो मिड या फिर लो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, एंड द साउंड्स डू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। तो मैं आपको काफी ऑलरेडी टिप्स ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बता चुका हूँ, लेकिन एक फीचर अभी भी बाकी है, दैट इज द मल्टीटास्किंग फीचर। तो आपको बस वो ऐप ओपन कर लेनी है जो आप मल्टीटास्किंग के टाइम ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब काफी ज्यादा यूज करता हूँ। तो यूट्यूब ऐप खोलने के बाद आप बस यूट्यूब का जो लोगो आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, वहां पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिखाने लगेगा, उस पर टैप करने के बाद नाउ यू कैन ओपन दी अदर ऐप, एंड आफ्टर यू डू दैट आपको मिडिल में तीन डॉट दिखा रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करके
जैसे आप फेवरेट्स पे क्लिक करोगे वो एक सेटिंग बनके आपके जो कस्टम एज पैनल होता है राइट साइड में जो आता है वहां पे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो बार बार आपको जब भी मल्टीटास्किंग करनी हो आपको एप्स दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कस्टम एज पैनल से जाके नीचे उस पर डायरेक्टली टैप कर सकते हो एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम वो दोनों ऐप आपकी डायरेक्टली खुल जाएंगी और आप आसान तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक दिस फीचर, मतलब दिस इज माय पर्सनल बेस्ट फीचर इन द फ्लिप 5। सो काफी दिनों तक सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 को यूज करते हुए मुझे ये सारी टिप्स ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स अच्छे लगे, आई होप आपको भी अच्छे लगे हो। आपका फेवरेट फीचर कौन सा है, आपको कौन सा बेस्ट लगा फीचर, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही हमारे वीडियोस और चैनल को प्यार बरसाते रहिए बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। इसी के साथ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग।